नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी। तो चलिए करते हैं दिन की शुरुआत कुछ खास खबरों के साथ। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वृद्ध रोजगार मेला लगने जा रहा है। बता दें, इस रोजगार मेले में 40 से अधिक कंपनियां शामिल होंगी। तो वहीं कंपनियों को कार्यालय की ओर से पत्र जारी किया जा चुका है। साथ ही इस साल लगने वाले रोजगार मेले में 8वीं से स्नातकोत्तर के अभ्यर्थियों को रोजगार देने का फैसला लिया गया है। लेकिन यह बात ध्यान देने वाली है कि दस्तावेज में कमी रहने पर अभ्यर्थियों को रोजगार मेले में शामिल नहीं होने दिया जाएगा। तो वहीं क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय में 12 जुलाई को आयोजित होने वाले रोजगार मेले में 8वीं से स्नातकोत्तर तक के अभ्यर्थियों को रोजगार दिया जाएगा। देवभूमि उत्तराखंड में अब भूमाफियाओं का कब्जा बढ़ता जा रहा है। बता दें, ताजा मामला भीमताल क्षेत्र से सामने आया है, जहां ग्राम प्रधान और गांववासी कुमाऊं कमिश्नर दीपारावत के पास जनता दरबार में अपनी समस्या बताने गए थे, जहां कुमाऊं कमिश्नर ने जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाने के निर्देश दिए थे। लेकिन अब एक ऑडियो इस संबंध में सामने आया है, जिसमें अधिवक्ता प्रशांत जोशी ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को गालियां देने के साथ ही ये तक कहा कि वो मेरा क्या कर लेगा, कानून तो मेरी मुट्ठी में है। बता दें, पूरा मामला जमीन का है, जो कि कब्जाने की कोशिश की जा रही है। मिली जानकारी के मुताबिक अधिवक्ता प्रशांत जोशी की पहुंच पुलिस से लेकर नेताओं तक है, जिसके चलते पूर्व में ग्राम प्रधान ने पुलिस अधीक्षक से अपनी जान की सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी। पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए परिवहन विभाग द्वारा नियमित चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी टैक्सी चालक यात्रियों की जान जोखिम में डालकर क्षमता से अधिक सवारियों को भर रहे हैं, जिसको देखते हुए परिवहन विभाग अब चालकों के खिलाफ गाड़ी सीज और मुकदमे की कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। जिस संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि विकास खंड ओखलकांडा में एक वाहन की क्षमता 7 यात्रियों की थी, लेकिन वाहन में 17 यात्रियों द्वारा यात्रा की जा रही थी, जिसमें परिवहन विभाग की टीम द्वारा चेकिंग के बाद वाहन चालक के खिलाफ हेड़ाखान पुलिस चौकी में मुकदमे करने के साथ ही तहरीर दी गई। साथ ही जीप टैक्सी गाड़ी का चालान भी किया गया। कोतवाली पुलिस ने बीती शनिवार की रात को राजस्व क्षेत्र भेड़ू चौबट्टा में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में नामजद 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें, युवक का शव वाहन से लटका मिला था, जिसमें पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीती 30 जून को पीड़ित प्रकाश चंद्र निवासी बागेश्वर ने राजस्व पुलिस क्षेत्र चौरा में मृतक मनोज कुमार की हत्या के संबंध में 2 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी थी। इस तहरीर के आधार पर राजस्व पुलिस क्षेत्र चौरा में नवीन नाथ और नीरज कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया गया था, जिसमें जिला मजिस्ट्रेट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए विवेचना राजस्व पुलिस से नियमित पुलिस को हस्तांतरित कर दी गई थी। और एसवी अक्षय प्रहलाद कोंडे के आदेश अनुसार मामले की विवेचना एसएचओ कैलाश सिंह नेगी को सौंपी गई, जिसमें अब आरोपियों को राजस्व पट्टी चोरा तहसील बागेश्वर से गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल इन खास खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए जेजेएन न्यूज़। धन्यवाद।